हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश जोशी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्यूब, वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करके क्यूब कैसे फाइंड किया जाता है। क्यूब है, क्यूब के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला है नंबर प्लस 2 डेविएशन स्लैश 3 डेविएशन स्क्वायर स्लैश डेविएशन क्यूब। फॉर्मूला अपने पास में, नंबर प्लस 2 डेविएशन स्लैश 3 डेविएशन स्क्वायर डेविएशन क्यूब। ये फॉर्मूला तो आपको लगाना है जब आपके पास क्या हो, बेस भी हो। ओनली फॉर बेस यू, सब बेस नहीं हो क्वेश्चन में। जब आपके पास क्वेश्चन में सब बेस भी आ जाए, सब बेस भी दे दिया हो आपको क्वेश्चन में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। पहले तो यही फॉर्मूला हम कॉपी कर लेते हैं, नंबर प्लस 2 डेविएशन स्लैश 3 डेविएशन का स्क्वायर स्लैश डेविएशन का क्यूब। ये फॉर्मूला, अब सब बेस है तो इसे जो फर्स्ट है उसको सब बेस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट है सो सब बेस के स्क्वायर से, और जो सेकंड है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सब बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब बेस के स्क्वायर से और इसको सब बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो फॉर्मूले हैं बेस के लिए, नंबर प्लस 2 डिवीजन 3 डिवीजन स्क्वायर स्लैश डिवीजन क्यूब। और सब बेस दे रखा हो तो सब बेस स्क्वायर, नंबर प्लस 2 डिवीजन स्लैश सब बेस 3 डेविएशन स्क्वायर स्लैश डेविएशन क्यूब। हम इसको स्लैश से लिख देते हैं, सब बेस 3 डेविएशन स्क्वायर स्लैश डेविएशन क्यूब। ये दो फॉर्मूला हैं जो हम यूज करेंगे क्यूब के लिए। इससे बेसिस से एग्जांपल करते हैं, जैसे 12 ले लेते हैं। 12 का हमें करना है स्क्वायर क्यूब, 12 का क्यूब करना। अब यहां पर 12 की बात करें तो सबसे पहले बेस क्या है, बेस है अपना 10, 12 है तो 10 ही है बेस। और डेविएशन लेते हैं, डेविएशन इसका है 2, 10 से कितना है 2 ग्रेटर है, प्लस का है तो साइन यूज करने की नीड नहीं है हमें। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम, फॉर्मूला है नंबर प्लस 2 डेविएशन स्लैश 3 डेविएशन स्क्वायर स्लैश डेविएशन क्यूब। ये फॉर्मूला अपने पास में, इस फॉर्मूले का यूज करना है। नंबर नंबर हमें दे रखा है 12 प्लस 2 डेविएशन, डेविएशन अपने पास आया 3 डेविएशन का स्क्वायर स्लैश डेविएशन का क्यूब। 12 है, ऐड नहीं करना है आपको, यहां पर बॉड मास रूल फॉलो करना है। बी ब्रैकेट होता है वो ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सबट्रैक्शन। तो यहां पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना कि एडिशन, ऐसे नहीं कि 12 प्लस 2 14, 14 2 जा 28, नो, पहले 2 करेंगे 4, ये 4 मल्टीप्लाई करके लिखते। 3 यहां पर पहले हम स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8। आपको 1 से लेके 10 तक क्यूब लर्न होने जरूरी है। जब आप फॉर्मूले यूज करोगे यहां पे तो आपको 1 से लेके 10 तक क्यूब लर्न होना जरूरी है। अब 12 प्लस 4 अपने पास आया 16, 4 3 जा 12, 8। अब यहां पर अपने पास बेस इस क्वेश्चन में दे रखा है 10, 10 बेस दे रखा है, इसमें 0 कितना, अपने पास 0 है एक बार आया, 0 कितनी बार आया, एक बार आया है 0। इट मीन्स सिंगल डिजिट, एक ही डिजिट रखनी है हर कॉलम, यहां पर 1 है, यहां पर 2 डिजिट है तो 1 को यहां आगे भेज दिया, तो 8 का 8 यहां पे बच जाएगा 2, 1 को आगे भेज दिया, 16 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 17। अब 1 7 2 8, ये अपना स्क्वायर क्यूब हो गया इसका 12।
अब जैसे 23 का क्यूब करना, 23 का क्यूब करना है, यहां पर अपने पास है सब बेस 23। सबसे पहले हमने कहा यहां पर बेस, बेस कितना है अपने पास है 10। फिर है सब बेस, सब बेस कितना है 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 10 2 20 आ जाएगा, और 20 और ये 3 ग्रेटर है, ये हो गया अपने पास में डी बेस। फॉर्मूला यूज करते हैं, सब बेस स्क्वायर नंबर प्लस 2 इंटू डेविशन, सब बेस इंटू 3 इंटू डेविशन स्क्वायर, डेविशन क्यूब। बेस का तो फॉर्मूला ये था, नंबर प्लस 2 इंटू डेविशन 3 इंटू डेविशन स्क्वायर डेविशन क्यूब। सब बेस का होता, सब बेस का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, ये सब बेस से मल्टीप्लाई होता। अब सब बेस की वैल्यू अपने पास में 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट यूज करना है। नंबर, नंबर अपने पास दे रखा है 23, फिर दिया है प्लस, तो प्लस लगाया, फिर है 2, तो 2 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन, फिर है डेविएशन, डेविएशन की वैल्यू अपने पास में है प्लस 3, तो हम 3 लिख देते हैं। नेक्स्ट है सब बेस, सब बेस अपने पास दे रखा है 2, 3 इंटू डेविएशन, डेविएशन है 3, 3 का स्क्वायर करना, ये 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर। नेक्स्ट है डेविएशन क्यूब, डेविएशन है 3, 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर आया अपने पास में 4, ब्रैकेट 23। पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना कि एडिशन, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं 23, ऐसे कैसे 3 2 6, 2 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया 9, 3 का क्यूब किया तो 27, 4 इंटू ब्रैकेट हटा देते हैं इंटू का साइन, 23 में 6 ऐड करना है 29, 2 इंटू 9 3 27, और यहां पर 27। अब 29 को, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 होगा, फिर 27 2 जा 54, 27। अब बेस कितना आपके पास 10 है, और 10 में 0 कितना है अपने पास, 0 है ओनली फॉर, 1 0 है, तो सिंगल डिजिट 2 को आगे कर ट्रांसपोज करते हैं, पीछे बच गया 7, 2 को इसमें ऐड कर दो, 54 में 2 ऐड किया तो कितना बन गया 56 बन गया 116। अब यहां पे 2 डिजिट है, 5 को ऐड नेक्स्ट भेजो, 7 का 7 6 यहां पे कॉपी कर दिया, 5 को 116 में ऐड किया 121। अब इसका आंसर आ गया 12167, ये किसका है 23 का क्यूब। ये दे दिया 99। सबसे पहले नंबर क्या अपने पास में 99 है, बेस कितना है इसका 100 है, और सब बेस है नहीं क्योंकि 100 के क्लोज है, डेविएशन ये 100 से 1 लेस। अब फॉर्मूला, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन स्लेश 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर स्लेश डेविएशन क्यूब। नंबर है अपने पास में 99 प्लस 2 इंटू डेविएशन, डेविएशन की वैल्यू अपने पास है -1 स्लेश 3 डेविएशन स्क्वायर, डेविएशन की वैल्यू है -1 का स्क्वायर स्लेश डेविएशन क्यूब, डेविएशन है -1 इसका क्यूब, -1 का क्यूब 99। पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 होता है तो 2 लिख दिया, यहां पर साइन किसका है माइनस का 1 है, और ये किसका है प्लस का 2, प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है आपको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का साइन यूज कर लो। नेक्स्ट
थ्री माइनस वन का स्क्वायर। हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी नंबर होता है नेगेटिव होता है माइनस का होता है और उसके ऊपर पावर क्या हो इवन हो तो उसका आंसर आता है हमेशा पॉजिटिव। प्लस में आता है माइनस वन के ऊपर पावर है टू, टू एक इवन नंबर है तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे, वन का स्क्वायर होता है वन, माइनस का साइन हट जाता है। और कोई भी नंबर हो जो नेगेटिव का हो और उसके ऊपर पावर क्या हो ऑड तो आंसर माइनस में आता है वन का, क्यों क्या होता है वन, तो वन लिख दिया और ये माइनस का साइन इसके आगे लगा दिया। माइनस का साइन है इसलिए हम इसको किस में लिख रहे हैं ब्रैकेट में लिख रहे हैं। 99 माइनस टू होता है 97, थ्री बन जा थ्री माइनस वन तो माइनस वन को हम ऐसे। अब किसी का क्यूब क्या स्क्वायर क्या उसकी वैल्यू हमें चाहिए प्लस में होनी चाहिए जबकि ये वैल्यू किस में आ रही है माइनस में आ रही है। इस माइनस की वैल्यू को हम किस में चेंज करेंगे प्लस में चेंज करेंगे। माइनस की वैल्यू को प्लस में चेंज करने के लिए सबसे पहले ये वन क्या लेगा थ्री से बोरो लेगा, वन थ्री से बोरो लेगा तो थ्री ऑनली फॉर एक सिंगल डिजिट एक नंबर ही भेजेगा तो थ्री ने एक बोरो दिया वन दिया तो थ्री के पास बच गए पीछे टू बच गए और इसने दिया। और जब भी एक नंबर बोरो जाता है दूसरे वाले नंबर से तो यहाँ पर हम मेथड फॉलो करते हैं जिसमें बेस का यूज करते हैं, जो बेस होता है उसी में से माइनस किया जाता है। यहाँ पर अपने पास बेस है हंड्रेड तो हम माइनस किस में से करेंगे हंड्रेड में से, तो हंड्रेड में से माइनस करेंगे हम किसको वन को। कैसा है हंड्रेड माइनस वन थ्री ने किसको दिया माइनस वन को बोरो दिया तो क्या बच गया थ्री का बच गया टू। और हम माइनस हमेशा करते हैं बेस में से, बेस आया हंड्रेड तो हंड्रेड में से वन को माइनस किया 97 टू हंड्रेड माइनस वन 99। अब यहाँ पर बेस है और बेस में हमें पता है कि जीरो देखते हैं और यहाँ पर हमें जीरो दे रखे हैं कितने बेस में टू जीरो है तो हर स्टेप में हर कॉलम देखें हर कॉलम में डिजिट होनी चाहिए अपने पास टू डिजिट नंबर 99 टू डिजिट नंबर टू है जो सिंगल डिजिट है इसके आगे हम लगा देते हैं जीरो ये भी टू डिजिट नंबर आगे वाला भी टू डिजिट नंबर इसको कॉपी करते हैं 99 02 97 तो ये है अपना क्यूब इसका 99। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे अभी हमने स्क्वायर और क्यूब्स